जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के टिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, वो भी मंथली मैगजीन्स के तौर पर, मंथली वाइज। जैसे कि कल के सेशन में हम लोग 1 से 15 जनवरी के तक के जो करंट अफेयर्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए गए थे उनको हम लोग देख चुके हैं 1 से 15 तक का। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 16 से 31 जनवरी के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनमें से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी जो है नए पैटर्न पर आधारित होंगे, जो नए जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैसे पैटर्न पर आधारित होने वाली है। और पी वाई क्यू को देखते हुए आपको मैं सेशन में बताते चलूंगा कि पी वाई क्यू में किस तरह से सवाल पूछे जा गए थे और हो सकता है कि आपके सेशन में, आपके एग्जाम में कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करते हुए चलेंगे। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए और इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं 16 से 31 फरवरी, कल के सेशन में हम लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक को देख चुके हैं, पिछला सेशन को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहा जाता है, निपाह वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनना है, अथन कथन का सह चयन करें। और ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे सवाल बनाए जा रहे हैं, इसमें असत्य सवाल कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निपाह वायरस के पहले वैक्सीन पर परीक्षण शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। कहा जाता है मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया, ये भी सही है। देखिए आप ये सिर्फ ये मत देखिए कि ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो होगा उसको देखना है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अब देखो ये क्या कहा जा रहा है, मतलब निपाह वायरस से संबंधित, यानी कि ये सब आपका ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो ना इसी में से कोई, और यहाँ जैसे ब्रिटेन में ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की जगह कोई और यूनिवर्सिटी दे दे, तो इसी तरह से हम लोग को ढूंढना है भाई। हम लोग को ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं कि जो इसमें आपका 121 का जो सही है बस वही याद करना है, अब वो जमाना गया है ना। तो आप ये भी ध्यान रखना है निपा वायरस जो है ना ये ब्रिटेन के ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपका पहल की गई थी, इसके द्वारा ही वैक्सीन का प्रशिक्षण किया गया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। और कहा था मानव शरीर में एंटीजन बनाने के निर्देश के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया, किसका उपयोग किया गया था, हानि रहित वायरस का उपयोग किया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जाता है, सुअर वायरस के प्राकृतिक वाहक के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल यही गलत है, इसमें असत्य कहा गया था, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये सुअर वायरस के लिए नहीं, इसमें जो ना टेरोपोडिडो परिवार के जो है ना एक इसका एक फल है चमगादड़ वायरस, टेरोपोडिडे परिवार, मैं लिख देता हूँ टेरोपोडिडे परिवार का जो है ना इसके फल चमगादड़ वायरस से कार्य करता है, ये बिल्कुल ये इसका सही जवाब हो जाएगा, सुअर वायरस पे नहीं होता है, इसलिए इसका कथन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और ये जो ना निपा वायरस जो है ये प्रकृति में जेनेटिक होते हैं, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन क्या कहा गया था, ये वायरस सुअर वायरस की जगह क्या हो जाएगा आपका, टेरोपोडिडे परिवार के फल जो है चमगादड़ वायरस के प्राकृतिक रूप में कार्य करते हैं, तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 122 में कहा जा रहा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी कहा जाता है इसमें भी गलत चुनने के लिए है ना, तो हमें गलत ढूंढना है। कहा जाता है ये योजना यानी कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी, ये बिल्कुल ये जो है ना आपका बिल्कुल सही है, 22 जनवरी 2024 को ही ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट कहा जाता है ये आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है, नहीं ये आवास और शहरी मंत्रालय की पहल नहीं है ये, बल्कि जो नवीन और नवीकरणीय जो है ना ये उसका पहल है, मंत्रालय के द्वारा पहल है, तो ये इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, एक यहाँ गलत हो गया। ये क्या है, ये नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की पहल है, क्या प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ओके। उसके बाद कहा जाता है तीसरा में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, रूफटॉप सोलर पैनल नहीं बल्कि जो एक करोड़ जो है ना छतों में सोलर पैनल को लॉन्च करने का, सोलर पैनल रूफटॉप नहीं, तो इस प्रकार ये भी गलत है। और इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है,
ये भी बिल्कुल सही है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ये भी सही है क्योंकि इसमें जो इससे पहले 2022 तक का ये लक्ष्य रखा गया था 2022 तक का कि 40 गीगावाट हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया तो इसलिए फिर से इसको बढ़ा दिया गया है, 2026 कर दिया गया है। तो इसका ए 4 और 1 सही है। ये जो योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था और सूर्योदय प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की पहल है, ये भी इस प्रकार ये गलत है। उसका तीसरा में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप नहीं सोलर पेन सोलर ऊर्जा का जो ना पैनल स्थापित करने का है, तो इसलिए ये 2 और 3 गलत था। इसमें से आपको संख्याओं में पूछा गया था केवल 2, यानी कि 1 और 2 था ना 2, तो इस प्रकार ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 123। 123 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। ये जो है भारतीय सेना में सूबेदार के तौर पर जो है ना पदोन्नत होने वाली जो है ये पहली महिला है आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रीति रजक। ठीक है, प्रीति रजक जो है ये महू जिला मध्य प्रदेश के से संबंधित है, ये भी हमें ध्यान रखना। प्रीति रजक कहाँ की है? महू मध्य प्रदेश के। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है दुनिया के सबसे ऊंचे 741 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ, है ना, आप जानते होंगे पर्थ। आप जैसे ऑस्ट्रेलिया की मैप को देखोगे तो देखो ऐसे ऐसे मैप है ना, इसी तरह से आकृति का मैप है, पर्थ यहाँ पे है। ठीक है, यहीं पे जो है ना 741 फीट की राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये पर्थ कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 125 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें भी सत्य कहा गया है। तो इनसेट 3D इसरो द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। ये मिशन क्या है? मौसम उपयोग ग्रह है क्या? बिल्कुल। उसके बाद कहा जाता है इसे PSLV F-14 द्वारा लॉन्च किया गया था। ये ध्यान से देखोगे ये गलत है, PSLV नहीं बल्कि GSLV है ना, GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए थोड़ी सी गलती कर, यहाँ P दे दिया है, यहाँ पे हालांकि होगी G, है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर B गलत है। और उसका दिया उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। नहीं, ये जो है ना उपग्रह जो है ना अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के द्वारा नहीं, बल्कि ये जो है ना आपका पृथ्वी है ना, ये जो है ना आपका ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ना कि आपका अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है, आप 69 BPSC के भी क्वेश्चन देखोगे ना तो एक दो सवाल जो है आपका मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे गए थे कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, मतलब मंत्रालय से संबंधित। तो इस तरह से इसीलिए हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा को मंत्रालय ऐड किया गया है। और कल के सेशन में भी, आज के सेशन में भी मैंने पोस्ट किया है, आपको थंबनेल में भी बताया था PYQ से संबंधित होगा, तो ऐसे सवाल बनाए जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इनसेट 3DS जो है ना ये पृथ्वी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ ये उपग्रह किया गया था। इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 गलत है, तो इसमें सत्य कथन केवल 1 हो जाएगा क्योंकि 1 ही सही था, है ना। तो क्यों गलत है इसके बारे में भी देख चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुरैया उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। सुरैया उपग्रह का जो है ना ये ईरान से संबंधित है। ये ईरान इसलिए, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि ईरान जो है ना देश में पहली बार ये सुरैया उपग्रह एक तो इतना लॉन्च किया, तो लॉन्च किया भी जो है ना ये सुरैया उपग्रह 750 किलोमीटर ऊपर वाला है, ये जो कि ईरान के लिए पहला ऐसा उपग्रह है जो 500 से प्लस को पार किया है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये सुरैया उपग्रह किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। इसका जो ना आपका कक्षा लगभग 750 किलोमीटर की इसकी दूरी पर, ऊंचाई पर होगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हेविस्योर किसने लॉन्च किया है? ये किसने लॉन्च किया? देखिए एक तो पहली बात ये क्वेश्चन ऐसे देखिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन का क्या नाम है? वैक्सीन का नाम हेविस्योर है, और ये हेविस्योर जो है बनाया किस संस्थान के द्वारा बनाया गया था? ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी कि IIL के द्वारा ये बनाया गया था। ये हैदराबाद और तेलंगाना में स्थित है, ये ध्यान रखना। हेविस्योर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL जो तेलंगाना और हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
कहा जाता है दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहेब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ये जो है ना दुनिया की सबसे ऊंची बाबा साहेब अंबेडकर का जो है ना ये आपके कहाँ किए गए हैं, इसका अब आंध्र प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के जो प्रधानमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी विजयवाड़ा ने ये इसका जो ना उद्घाटन किया है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाली है, नेक्स्ट में आपका गणतंत्र दिवस पर परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पद पर मार्च किया, इस टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया? ये कैप्टन संध्या महला ने की थी, है ना, इसको हमें ध्यान रखना है। कैप्टन संध्या महला ये पहली बार था इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिवाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिहार स्पेशल से, स्पेशल के दृष्टिकोण से। कहा जाता है नीतीश डिवाइस, नीतीश डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो मजदूरों के लिए लगाया जाता है, यानी कि मजदूर जैसे खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी के समय में बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो खेतों जाते हैं, खेती करने के दरमियान जो है ना कोई आपदा आ जाए, जैसे कि भयानक बारिश आ जाए, मतलब इस तरह से चक्रवात वगैरह कुछ भी, मतलब आपदा प्रबंधन से संबंधित कोई भी चीज़ आए तो ये नीतीश ऐसा डिवाइस है जो गले में रहेगा, वो आधा घंटा पहले ही सूचित कर देगा कि कुछ घटित होने वाली, जैसे अभी आपका मोबाइल फोन में आ जाता होगा कि आसपास के क्षेत्रों में 3 घंटे तक 4 घंटे तक बारिश होने की संभावना है, उसी प्रकार ये डिवाइस आपको जो है ना गले में रहेगा तो वो आपको सूचित कर देगा, तो आप ताकि सही जगह सही सुरक्षित जगह आप जाके खड़े हो सकते हो। ये 30 मिनट पहले, समय का भी ध्यान रखना भैया। तो कहा जाता है ये जो है ना ये डिवाइस किसके द्वारा बनाया गया था, कृषि विभाग द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया था, नहीं ये बिहार कृषि विभाग के द्वारा नहीं, बल्कि जो है ना ये आपका ये बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन के द्वारा, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि कृषि विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा इसमें, है ना, कथन इसका सत्य कथन कहा गया था, ये गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि ये बिहार का जो है ना बिहार राज्य के आपदा प्रबंधन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, ये सही है। यह आर्टिलिंग डिवाइस की जो आपदा से 30 मिनट पूर्व आपदा की सूचना प्रदान भेजेगा, ये भी सही है, मैंने आपको बताया था 30 मिनट पहले समय ध्यान रखना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, विदेशी मात्र एक ऐसा विदेशी इस बार था जिसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यंग लियू ये ताइवान के हैं, इसको पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से किस बिहार के किस बच्चे को सम्मानित किया गया, ये मोहम्मद हुसैन को किया गया था, ये पटना के हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया है, ये BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है, भारत का प्रथम मानव डीएनए बैंक, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया, BHU में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें आपको देखोगे तो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें आपका असत्य कथन चुनना है, है ना, असत्य कथन। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया था, नहीं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा नहीं, बल्कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट की योजना जो है ना, रिपोर्ट की जो घोषणा किसने किया था, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रकार ए गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा जाए सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन कहा जाता है, इसके अनुसार वर्ष 2024 से 2026 के दौरान भारत की वार्षिक औसत बिजली मांग वृद्धि 6.5 आंकी गई है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, ये बिल्कुल ये सही है। उसका कहते हैं भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन दर में औसत वृद्धि दर की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम की गई है, कम रही नहीं है, ये अस्थिर था, इसलिए ये भी गलत है। देखिए कितनी बारीकी से, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि गलत करवा रही है। तो इस प्रकार 1 और 3 गलत हैं, इसमें असत्य ही चुनने था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के बहादुर ललित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था, ये मिस्टर श्री अमित शाह के द्वारा, जो गृह मंत्री हैं, इसके द्वारा किया गया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, कहा जाए तो उपरोक्त में से किन या किन भाषाओं को हाल ही में
के सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई। शास्त्रीय भाषा, देखिए शास्त्रीय भाषा पहले 6 थे, अभी जो है ना 3 को और ऐड किया गया, तो मतलब टोटल 9 हो गए हैं। 9 में से आपका ये तीनों के तीनों सही हैं, पाली, प्राकृत और फारसी, ये अभी रिसेंटली इसको ऐड किए गए। इससे पहले 6 जो थे, 6 का ध्यानपूर्वक मेरी बातों को नाम सुनिए। उसका नाम है आपका, जैसे आपका हो जाएगा नाम में ये तमिल, उसके बाद ये तो 3 हो गए, तमिल हैं आपके, संस्कृत हैं, कन्नड़ हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बातों को, तमिल, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 हो गए। उसका 3 ये पाली, प्राकृत, फारसी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ छोटी शॉर्ट नोट में, तमिल, संस्कृत, उसके बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद तेलुगु, तेलुगु ती लिख दिए, उसके बाद मलयालम और यूरिया उड़िया, उसके बाद पाली, प्राकृत, फारसी, ये सभी 9 ऐसे राज्य, जिले, ऐसे भाषाएं हैं जो शास्त्र भाषा के में शामिल किया गया है। और ये किसके द्वारा शामिल किया जाता है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, शामिल किया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जाता है 137, भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना पर हस्ताक्षर किया है, इस संदर्भ में लिथियम ट्राइंगल क्या है, ये लिथियम ट्राइंगल जो लिथियम के स्रोत एवं भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टंप बिल 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन ढूंढना है, तो इसमें कहा जाता है पहला में, केंद्र सरकार ने भारतीय स्टंप अधिनियम 1899 को हुआ था, को निरस्त किया था। देखिए कितनी छोटी चीजें हैं, गलत है ना, ये गलत हो जाएगा। उसके अतः स्टंप शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए एकत्र किया जाना और विनियोजित किया गया, ये भी गलत है। ये इसलिए गलत किए हैं क्योंकि ये केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के द्वारा आर्टिकल नंबर 268 के तहत राज्य सरकार भी अपने अनुसार वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि केंद्र सरकार सब पर थोपेंगे, तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट का नए मसौदा विधेयक में डिजिटल ई स्टम्पिंग में शामिल किया गया, ये सही है, केवल 3 सही है, तो कूट केवल 1 सही हो, इसमें असत्य कथन कहा था, असत्य मतलब हो गया 1 और 2, एक और दो, डी, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक जो है ना, ये संजीव खन्ना है, संजीव जोशी है, देखोगे आप नाम में उल्टा पुल्टा ना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय रिपोर्ट जारी किया गया है, ये सही है, सॉरी सही है, इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में गिरावट को दर्शाया गया, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ये दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट में आगे, इस रिपोर्ट के अनुसार पंचायतों का औसत व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में घट गया, ये भी सही है, मतलब असत्य कथन कहा गया था, इसमें से कोई भी नहीं, सभी के सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरोलिक क्या है, न्यूरोलिक जो है ना ये आपके न्यूरोलिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, न्यूरोलिक क्या है, ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सबसे प्रदर्शन अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है, ये गुजरात, कर्नाटक और केरल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व के द्वारा किया गया है, ये जो आपका दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर के बाहर जाता है तो ये सिमली पाल टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। और आप ये भी ध्यान रखना ये पेंच टाइगर रिजर्व, आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते होंगे नहीं पेंच टाइगर जो है ना ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व आपको वहाँ पर जो है ना ये क्या हुआ है वो पेंच टाइगर रिजर्व में ये महाराष्ट्र और एमपी में है ना, तो वो उसमें आपको ध्यान आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इससे संबंधित, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाल ही में भारत के पहले चार्ज लैंग्वेज मॉडल LLME भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिटी के लिए कितने भारतीय भाषाओं को समर्थन दिया है,
ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके 22 में कहाँ है, ऑप्शन नंबर 22 डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व एशिया का 5वां और भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है, यही क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट अभी बता रहा था। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ना आपका, इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व जो कि इसमें है ही नहीं, ये जो है ना पहला डार्क स्काई, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है ना पेंच टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र और एमपी में पड़ता है, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसका सही जवाब पंचमार्ग इसमें से कोई नहीं है, पंच टाइगर रिजर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली NTPCS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें कहा है सत्य कथन, तो सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा, ये सड़क राज्य मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा, और ये NTPCS के तहत उत्पन्न QR कोडित परागम परमिट की वैधता को सत्यापित करने और निर्वाध परागम की अनुमति देने के लिए विभिन्न राज्यों में चेट की अनुमति होगी, ये सही है, ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन चुनना है, तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में आपको पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में देखिए, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन परिस्थिति के विकास के लिए बिहार को आदर्श राज्य बनाया गया है, ये बिल्कुल ये सही है। बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि दिया गया, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक चार पहिया वाहन में मोटर कर में 50% नहीं बल्कि 75%, चार पहिया में 75% और तिपहिया में 50% का छूट दी जाएगी, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन चिन्ह था, इसमें 50 नहीं था 75 था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी ये सही ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले जापान के किस नाम से रोवर को भेजा गया था, देखिए अभी 5वां देश बन गया है जापान, है ना, जापान के जो रोवर का नाम क्या था इसके बारे में पूछा जाएगा, ये स्पाइनर जो है ना, ये मून स्पाइनर पूरा नाम है, मून स्पाइनर, ठीक है, मून स्नाइपर, ये हमें ध्यान रखना है। ओके चलो, ये जास का JASK के द्वारा ये किया गया था, इसको जो है ना LSLMIM के द्वारा इसको जो है ना ये लॉन्च किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसके बारे में क्वेश्चन बनाए गए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ये 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। इसका जन्म पितौंछिया गांव समस्तीपुर यानी बिहार में 22 जनवरी 1924 में हुआ था, ये भी सही है। ये बिहार के दो बार हुए हैं के मुख्यमंत्री बने हैं, 1952 में भारतीय क्रांति दल से संबंधित नहीं थे ये, बल्कि जो है ना आपके सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, तो ये गलत हो जाएंगे, और ये भी 3 और 4 गलत हैं, इसमें से सही 1 और 2 हैं, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है आपका, देखो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार दिया गया है, ये आपका आस्था सिंह को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आस्था सिंह को ये पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन को आज के सेशन में भी देखें, 300 क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस के क्वेश्चन पर आधारित हैं, उसके नए पैटर्न पर आधारित हैं, हमने आपको सब कुछ डिटेल से बताया, यानी कि ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पूरा मंथली मैगजीन्स कंप्लीट हो जाएगा। आप ये देखने के बाद आप कोई भी करंट अफेयर्स बनाओ, कोई भी किसी भी प्रकाशन का, उसमें आपको अच्छा खासा आप स्कोर कर पाओगे, है ना, ध्यानपूर्वक अगर सुने होंगे तो। कल का सेशन और आज का सेशन जनवरी इस तरह से कंप्लीट हो गया, और बहुत जल्द फरवरी का आएगा, मार्च का अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त जहां तक चलेगा तब तक चलेगा, एग्जाम से पहले तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। ओके चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा होगा, और एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करें, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कॉमेंट के माध्यम से क्लास की रिव्यू जरूर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।